इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। 18 खिलाड़ियों वाली टीम में रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, शिखर धवन और शुभमन गिल के रूप में 4 ओपनर भी शामिल किए गए हैं। वहीं घरेलू क्रिकेट में जोरदार प्रदर्शन करने वाले ओपनर पृथ्वी शॉ और देवदत्त पडिकल को मौका नहीं दिया गया है। चयनकर्ताओं के इस फैसले से ये सवाल उठता है कि क्या घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन का कोई मोल नहीं रह गया है। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार कई पारियों में फेल होने वाले खिलाड़ी को स्क्वाड में क्यों रखा गया है। पृथ्वी शॉ को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वे एडिलेड में 0 और 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद शॉ को टीम से बाहर कर दिया गया था और शुभमन गिल को मौका दिया गया था। गिल ने वहां तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में सिर्फ 1 अर्धशतक बना सके। इसके बावजूद उन्हें इंग्लैंड के वनडे सीरीज में टीम में जगह मिली है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कहा गया था कि पृथ्वी शॉ की तकनीक में दिक्कत है, उनकी बैट लिफ्टिंग सही नहीं है। इसके बाद मुंबई ने इस बल्लेबाज के सचिन तेंदुलकर के साथ बात की और अपनी तकनीक पर काफी काम भी किया। इसका फायदा उन्हें घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में मिला। उन्होंने 8 मैचों में 165 की औसत से 827 रन बना दिए। इसके बावजूद उन्हें वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है। शॉ के टैलेंट पर पहले भी किसी को शक नहीं रहा है और उन्हें बाहर भी इसलिए किया गया ताकि वे अपने बल्लेबाजी पर मेहनत कर सके, लेकिन जब उन्होंने तकनीक और प्रदर्शन दोनों में सुधार कर लिया हो तो फिर किस बात पर उन्हें टीम से बाहर रखा जा रहा है, ये समझ से परे है। इस तरह देवदत्त पडिकल के भी घरेलू परफॉर्मेंस को तवज्जो नहीं दी गई है।